भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मानवीय मूल्यों को ऊपर उठाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर उठना, गिरकर के ऊपर उठना, प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया जाता है और विषय भी ऐसे लिए जाते हैं जिससे हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है। तो आज हम एक विशेष विषय के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति स्वार्थ के घेरे में। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीति किसे कहते हैं। राज प्लस नीति। राज का मतलब यह है कि हमारी सरकारी तंत्र को चलाना, हमारे सारे पब्लिक अफेयर्स है उनके ऊपर नियंत्रण करना, उसको राज कहते हैं। और नीति का अर्थ होता है पॉलिसी, सिस्टम, व्यवस्था। पॉलिसी, सिस्टम, व्यवस्था कई तरह की होती है। राजनीति, कर्म नीति, धर्म नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति, हर कार्य की अपनी अलग अलग नीति होती है और उस नीति निर्धारण के आधार पर ही उस कार्य को अंजाम दिया जाता है, मंजिल तक पहुंचाया जाता है। तो राजनीति का ये जो कार्य है वो हमारे स्टेट्स को और देश को जो है चलाने के लिए राजनीति का उपयोग होता है। और इसके अंदर हम देखें पूरे संसार के 210 देशों का हम देखें सिनेरियो, तो आज लोकतंत्र स्थापित हो गया है। मुख्य तरीका तया से जो राजतंत्र और लोकतंत्र दो तरह के मुख्य रूप से जो है सिस्टम अच्छे चले हैं। राजतंत्र के अंदर राजा मालिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत उसका बड़ा बेटा फिर से राजा बनता है। परंतु आज के युग के अंदर लोकतंत्र को पसंद किया गया है क्योंकि लोकतंत्र की विशेषता यह है कि इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लोकतंत्र के अंदर हर एक को अपना विकास करने का अवसर मिलता है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का हर नागरिक जो है वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उस नागरिक को अपनी जो है धर्म की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना अच्छा जीवन जीने की उसको पूरी स्वतंत्रता है और सरकार का ये दायित्व तो है कि वह उसको बेसिक फैसिलिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जिससे कि जीवन चलता है उसकी व्यवस्था करे। तो लोकतंत्र के अंदर जितने भी हमारे MLAs, MP, स्टेट को या सेंटर को चलाने वाले होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और राजनीति प्रारंभ होती है गांव से। गांव के अंदर पंचायत होती है, उसके बाद में ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद में राज्य और कई राज्यों से मिलकर के पूरा देश का संचालन होता है। भारत की बात करें तो आज 32-33 राज्य हैं और हर एक राज्य के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, वो 5 साल तक शासन करते हैं और जनता की जो तकलीफें हैं, जनता की सुखी जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था है उसकी लॉ एंड ऑर्डर, उसकी पूरी देखभाल की जाती है। तो ये सारा राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के थोड़े प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो राजनीति जो है वो स्वार्थ के घेरे में आ गई है। जिस वक्त में हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त हमें इतना जोश था कि आज़ादी कईयों की कुर्बानी से मिली है। महात्मा गांधी ने जो है भारत को आज़ाद कराया, अहिंसा के सिद्धांत पर आज़ाद कराया। अकेले महात्मा गांधी नहीं, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अपने जीवन की आहुति दी, जेल गए,
कोड़े सहे और कितने कितने कष्ट सहने के बाद में हमें देश को आजादी मिली, तो उस आजादी को बरकरार रखने के लिए, चिरस्थाई रखने के लिए ये सोचा गया कि हमारी राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए और राजनीति के अंदर ईमानदार लोग, सेवाभावी लोग आने चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सकें। ये एक राजनीति एक सेवा का फील्ड है, लेकिन आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कई कई लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना दिया गया है और राजनीति के अंदर बहुत स्वार्थ चलने लग गया है। भाई भतीजावाद है और जिस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, जिस व्यक्ति की बड़े लोगों से अच्छी जान पहचान है, बड़े लोगों के साथ चलती है, तो उनको स्थान दिया जाता है। यानी योग्यता का जो आधार माना गया था हमारी देश की आज़ादी के बाद के अंदर कि राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए, राजनीति में योग्य व्यक्ति आने चाहिए, चरित्रवान आने चाहिए और मुख्य रूप से जनता का भला कर सके, जनता के बीच रह सके और जनता की सेवा कर सके, ऐसे लोग आने चाहिए। तो आज हम राजनीति स्वार्थ के घेरे में ये बात करने जा रहे हैं। तो स्वार्थ में क्या है, भाई भतीजावाद हो गया है और कुछ इस तरीके की कहने चाहिए कि ऐसे कार्य भी अनैतिक रूप से भी चलने लगे हैं। टिकट किसको दी जानी चाहिए और वो टिकट को देने में वगैरह में कुछ अनैतिक कार्य होने लग गए हैं। तो लेकिन हमारी राजनीति को हमें स्वस्थ रखना है। आज हम इस जो एपिसोड के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालेंगे, राजनीति जरूरी है इतने बड़े देश को चलाने के लिए और इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीति आवश्यक है। जैसे कि लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि राजनीति के साथ में धर्म नीति जुड़ी हुई थी। मैं रामायण को यहां कोट करना चाहूंगा कि राम राज्य कहा जाता था, उस राम राज्य के अंदर वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े गुरु और ऋषि मुनि थे, वो धर्म नीति लागू करते थे और उनका स्थान था वो राजा से, जैसे राम राजा थे अयोध्या के, दशरथ जो है वहां के राजा थे, लेकिन उनके गुरु का स्थान उससे ऊपर था। यानी धर्म नीति कंट्रोल करती थी राजनीति को, ये अच्छा सूत्र था, क्योंकि धर्म एक अच्छाइयों का पुंज होता है और धर्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक परमात्मा का रूप होता है और वह परम अर्थ में चला गया होता है, उसको दुनिया की सेवा करने का ही लक्ष्य होता है, सब कुछ कंचन कामिनी को त्याग करके ही जो है वो उस रूप के अंदर पहुंचता है और वो गुरु बनता है और वो सबके भले की बात सोचता है और भले की बात सोचने के कारण वह धर्म नीति पर राजनीति का अंकुश होने से वो सफल रहती है, किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होता है, सब व्यक्ति को अच्छा न्याय मिलता है और समाज का हर व्यक्ति, राज्य का हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण जीवन यापन करता है। और उसके साथ साथ में राजनीति यह भी निर्धारण, दंड नीति भी निर्धारण करती है कि दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, देश में सब तरह के लोग होते हैं, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं, कुछ लोग चरित्रहीन होते हैं, कुछ लोग स्वार्थी लोग होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए जो है राजनीति दंड नीति बनाती है। दंड नीति के लिए हमारी पुलिस है और हमारी जो कार्यपालिका यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो न्याय करती है। तो एक ऐसा राजनीति का सुंदर सिस्टम हमारे भारतवर्ष के अंदर है और भारतवर्ष का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये आइडियल है, ये एक रोल मॉडल है। दूसरे देश के लोग हमारे भारत के संविधान की स्टडी करने आते हैं और हमारी बहुत सी अच्छी चीज़ों को अपने संविधान के अंदर लागू करते हैं, क्योंकि हमारे देश के महापुरुषों ने जो, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं और भी जितने भी सदस्य जो है वो संविधान समिति में रहे थे, वो लोग बहुत ईमानदार थे, बहुत डेडिकेटेड थे और देश प्रेमी थे और देश के प्रति कुर्बान होने वाले थे। तो
कोई स्वार्थ नहीं था उन्होंने, तो सबका सर्वोदय हो, हर भारत के नागरिक को जो है अच्छा से अच्छा सुख मिले, शांति मिले, जीवन यापन मिले, उसको विकास करने के पूरे मिले और लॉ एंड ऑर्डर हो, समाज स्वस्थ हो, ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। तो अब हम थोड़ा प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है राजनीति आज स्वार्थ के घेरे के अंदर आ गई है और आज हमें उस स्वार्थ के घेरे से इसको निकालना है, इसको स्वस्थ बनाना है। टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति जो है वो गलती का पुतला है, लेकिन उसका उसका शोधन होना चाहिए। देखिए शोधन दो तरह का होता है, एक तो बाहरी नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण पुलिस के द्वारा होता है और न्यायपालिका के द्वारा होता है, जेल वगैरह दे करके और उसको कुछ पनिशमेंट दे करके ये होता है, ये नियंत्रण है। शोधन भीतर से होता है। शोधन करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे राजनीति के साथ साथ में धर्म नीति जोड़ी जानी चाहिए। धर्म नीति शोधन करती है और ये धर्म नीति व्यक्ति को अवसर देती, उसे भूल हो जाती है तो उसका जो भीतर का अंतःकरण है उसको हृदय परिवर्तन से बदला जाता है कि भाई तुम जो अनैतिक कार्य कर रहे हो, तुम पनिशमेंट प्राप्त कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम जेल जा रहे हो और दंडित होते हो, उससे समाज में तुम्हारा अपमान होता है और तुम्हारा परिवार है ना, वो परिवार भी दोषित होता है, लज्जित होता है और ऐसा कार्य क्यों करना चाहिए। और धर्म नीति के द्वारा उसको समझाया जाता है कि हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार मनुष्य जीवन सबसे उत्तम जीवन है और बड़ी तपस्या करने के बाद के अंदर ये मनुष्य जीवन मिलता है। इस जीवन के अंदर हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, आत्मा की पवित्रता को बढ़ाना है और साथ साथ के अंदर हमें एक अच्छा इंसान बनना है और हमें कुछ ऐसी महक छोड़ के जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति अजर अमर नहीं है। अजर अमर केवल आत्मा, ये शरीर का पुतला है वो तो नाशवान है। एक दिन कोई भी संसार के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर है, उसका शरीर जाता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। और जो लोग समाज के अंदर अच्छा कार्य करके जाते हैं, राजनीति में भी रह करके और वो ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करके जाते हैं और जनता के चहेते हो जाते हैं, उनको आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी को देखिए, जवाहरलाल नेहरू को दे दिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए और संत विनोबा भावे को देखिए, कितने हमारे 46 जो है भारत रत्न है, उन सभी लोगों ने, जो कई लोग तो भगवान के घर चले गए हैं और वर्तमान में जैसे हमारे जिंदे अटल बिहारी वाजपेयी है, तो उन्होंने कितना बड़ा समाज के लिए कार्य किया और समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज को सहूलियत देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। तो आज मैं जो वो स्वार्थ की जो बात आ गई है उसको मिटाने के लिए मैं कुछ उपाय जो है सजेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए हमारे इस संसार के अंदर जो है एक अर्थार्जन होता है और एक सेवा का कार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति प्योरली अर्थार्जन करने वाला था वो है, मनी माइंडेड है और केवल पैसे को ही बढ़ाना चाहता है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का भी सदुपयोग किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति की अपनी जो मूल आवश्यकता है पूर्ति हो जाती है और उसके बाद में ज़्यादा पैसा बढ़ता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के काम में लगाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसी रूप के अंदर जाता है तो उसको अपने व्यापार के फील्ड में जाना चाहिए, इंडस्ट्री के फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन राजनीति के फील्ड के अंदर कोई भी व्यक्ति आए, चाहे गांव का सरपंच क्या पंच भी आ जावे, छोटी से छोटी इकाई गांव का पंच होता है, वह ये भावना लेकर के आवे कि मुझे तो जनता की सेवा करनी है और जनता उसको इस हिसाब से चुन के भेज रही है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे गांव का जो बिजली का है, पानी का है, सड़क का है, सफाई का है और हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट का है, शिक्षा का है, उसके ऊपर ध्यान देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो है ईमानदार को, कर्मठ को और समाजसेवी व्यक्ति को वो आगे लाते हैं। तो इसीलिए
आज हमें सुधार क्या करना है कि सबसे पहले सेवा माइंडेड व्यक्ति ही राजनीति में आना चाहिए। आज राजनीति को बड़े अलग नजरिए से देखा जाता है और राजनीति को लोग जो है भ्रष्ट नीति भी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, लोगों की मानसिकता क्यों राजनीति में कुछ ऐसी अनैतिकता आ गई है और राजनीति और राजनीतिज्ञ लोगों को लोग जो है अलग नजरिए से, नेतागिरी के नाम से ये हो गई है, उसको अलग नजरिए से देखते हैं। उस नजरिए को हमें सुधारना है क्योंकि राजनीति बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, हमारा देश का कोई भी तंत्र, कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसके अंदर जो बुराइयां आ गई है उसका शुद्धिकरण करना है। नंबर दो, राजनीति को अच्छा बनाने के लिए हमारा जो व्यक्ति राजनीति के फील्ड में चयनित होकर के आता है, जो कि वो व्यक्ति जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो व्यक्ति समाज के बीच में रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए और लोगों की क्या समस्याएं हैं, जिस जो उसका क्षेत्र है, सरपंच है, एमएलए है, एमपी है, अपने क्षेत्र में रह करके लोगों की समस्या की स्टडी करे, लोगों की स्ट्रेटजी की करे, लोगों के विकास के बारे में सोचे और वो समस्या कहाँ हल हो सकती है, ब्लॉक लेवल से हो सकती है, डिवीजन लेवल पे हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है या केंद्र से हो सकती है, वहाँ उस लेवल तक जो वो बात को उठाए, क्योंकि वो जन प्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे जो भाग्य से, देश के भाग्य से, देश की पुण्याई से भारत को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, नरेंद्र भाई मोदी, जो 12 वर्ष तक जो है वह मुख्यमंत्री गुजरात रह चुके हैं और उनके जीवन के अंदर एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करूं और उनके पास में विजन है। वो 16-16 घंटे काम करते हैं और सारी समस्याओं का समाधान देखते हैं और वो ऐसे लोगों का चयन करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की कमेटियां बनाते हैं जो कि चरित्रवान हैं, जो कि ईमानदार है, जो डेडिकेटेड है और वो समाज सेवा के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। तो वो हमारे सामने आज एक रोल मॉडल है कि उन्होंने हमारे देश का कितना विकास किया है और उसके साथ साथ में हमारी देश की जो इमेज है वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी बनाई। आज हमें कहते बड़ा फक्र हो रहा है कि भारत जो है वो शुरू से एक धर्म गुरु देश कहा जाता था और सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारी वही स्थिति नरेंद्र भाई मोदी ने देश में रह करके अपने विजन से नई नई योजनाएं चालू करके, नई टेक्नोलॉजी के साथ में देश को जोड़ करके, जिससे काम शीघ्र हो और हर व्यक्ति को सुलभ हो जावे, स्वच्छता के बारे में, अभियान के बारे के अंदर, हमारी सोच को अच्छी करने के बारे के अंदर उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ में मेरे ख्याल से विदेश के हर देश के अंदर वो गए हैं, हर देश के साथ में व्यापारिक समझौते किए हैं, राजनीतिक समझौते किए हैं और सैन्य समझौते किए हैं। उससे दूसरे देशों का जो रुझान है भारत की तरफ हुआ है। आज विश्व की बहुत सी कंट्रीज है भारत में आना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है और वो भारतीय संस्कृति से घुलना मिलना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमारे में वो योग्यता है। हमने हमेशा अध्यात्म को स्थान दिया है। हम मात्र जो है भौतिकतावादी नहीं है। भौतिकतावादी में हमारा सिनेरियो सिर्फ जो इंद्रियों का जगत है, बाहर का जगत है, वहीं तक सीमित होता है। वह जगत टेम्परेरी है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे भारत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रारंभ से, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई जाइए, 10,000 वर्ष पुराना जाइए, उसके अंदर हमारे धार्मिक ध्यान करते हुए ऋषि मुनि दिख रहे हैं और हमारी गुरुकुल प्रणाली वहाँ पूरा तत्व के अंदर दिखती है। वो इस बात का, हम आर्यों की संतान है, इस बात का संकेत है कि प्रारंभ से हमारी नींव जो फाउंडेशन है बहुत सुंदर तरीके से लगाई गई है और हर भारतीय के रग रग के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि इस भौतिक जगत के बाद भी दूसरा जगत है,
जो भीतर का जगत है वो आत्मा का जगत है, वो अविनाशी है, बाहर का जगत विनाशी है। शरीर मान लीजिए बाहर का जगत है, ये विनाशी है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, वो हर यो त्रैकालिक है, हर युग में रहता है, और उसके अस्तित्व से ही जो है ये भौतिक शरीर चलता है। और जितनी दुनिया में भौतिक तरक्की होती है वो चेतना उस तरक्की के अंदर एक एविडेंस बनती है, एक साक्षी बनती है। तो इस तरीके हमारी संस्कृति है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं समय की अल्पता को देख करके ये बात आज की सीनियोरियो से, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो विषय होता है उस विषय को समसामयिक रूप से आज के समय से, आज की समस्याओं से, वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसको जोड़ता है, और जोड़ने के बाद के अंदर निष्कर्ष निकालता है, कुछ सुझाव देता है और अगले अनुसंधान की बात करता है। तो आज के हमने सिनेरियो को बताया, बुराइयां आ गई है, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आज राजनीति स्वार्थ के घेरे में आ गई है। उस स्वार्थ के घेरे से बाहर निकालना है, क्यों? राजनीति के अंदर स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ तो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ जायज है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर होता है, उसके परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके घर होता है, देश होता है, और उसको हर जगह सहयोग करना होता है। ये तो व्यक्तिगत लेवल पर सही है, लेकिन जो लोग राजनीति में जाते हैं वो अपने घर की अनुकूलता देख करके उसको आना चाहिए कि मेरी घर की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई है, परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, घरेलू दृष्टि से, उसके बाद उसको राजनीति के अंदर पैर रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति अपने घर की समस्याओं का, बच्चों को बिना शिक्षित किए, मकान वकान की व्यवस्था किए, भरण पोषण की व्यवस्था किए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था की, अगर राजनीति में कूदता है तो यह अन्याय है, और वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वार्थ के घेरे में जाएगा, क्योंकि वो स्वार्थ उसको खींचता रहेगा। तो ऐसे वानप्रस्थी लोग, जो कि घर से बिल्कुल जो है उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसे लोग उसके अंदर आने चाहिए तो वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं निष्कर्ष की बात करना चाहता हूँ कि जब हमारा मानव समाज बना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना चाहता है, मनुष्य कभी अकेला नहीं रहना चाहता है। मनुष्य क्या, पशु भी देखिए आप, झुंड के झुंड बना के चलते हैं, पशुओं के भी समाज होता है, उसको समज कहते हैं, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। आपने कई बार देखा होगा कि तीतर, बड़ी बड़ी चिड़ियां हैं जो बाहर से, दूसरे विदेशों से हमारे यहाँ चल करके आते हैं, भरतपुर के अंदर और जितने भी हमारे जो ये क्षेत्र है जहाँ कुर्जा हैं वगैरह, जो कई दूसरे देशों से आती है, वो आपने देखा होगा एक लाइन से चलती, यानी वो भी समूह में रहना चाहते हैं, वो उनका समाज है। हर एक व्यक्ति का समाज होता है, हर पशु का समाज होता है, हर पक्षी का समाज होता है, उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या करेगा, वो भोजन कहां से लाएगा, ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कहां से करेगा, उसको कौन सहयोग करेगा। और कुल मिलाकर के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, ये सृष्टि रिलेटिव है, ये सृष्टि सबके लिए बनी हुई है और ये सापेक्ष है। एक परिंदा भी अगर पर मारता है सृष्टि के अंदर, तो पूरी सृष्टि के जितने भी 7 अरब की जनसंख्या क्या, और जो है वो 84 लाख जीवायुने की व्यक्ति जो है ना, सभी प्रभावित, सभी जो जो जीव जंतु है सभी प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति निरपेक्ष जीवन जी नहीं सकता। तो इसीलिए राजनीति हमेशा थी, आज है और आगे भी रहेगी, क्योंकि व्यवस्था को बनाने के लिए राजनीति की अति आवश्यकता है, लेकिन राजनीति में शुद्धता रहनी चाहिए, राजनीति पाक रहनी चाहिए। जिस दृष्टि से देश की आज़ादी के बाद में सोचा गया था, जो मूल्य हमने रखे थे, जो संविधान में बातें कही गई थी, वो बातें आज हमें पुनः लानी है, और इसका प्रशिक्षण देने के लिए राजनीति के वर्कशॉप लगाए जाने चाहिए। जो लोग राजनीति में आते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, पंचायत से लगा करके एमएलए एमपी तक का फॉर्म बनता है, जो राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, तो जिस लेवल पर फॉर्म भरते ही जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि आप इस क्षेत्र में क्यों आ रहे हो, और क्षेत्र में आने के लिए क्या अर्हता है,
क्या योग्यता है, आपको क्या करना है, आपको छवि स्वच्छ रखनी है और आपको ध्येय है वो लोक कल्याण का ध्येय रखना है, समाज सेवा का ध्येय रखना है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर जो आज जो ये स्वार्थ की नीति आ गई है उस घेरे से इसको बाहर निकाल करके इसको शुद्ध करना है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, राजनीति को शुद्ध करने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं। कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति राजनीति फील्ड के अंदर चला गया है उस व्यक्ति को आम उसको टॉलरेंस पावर होनी चाहिए उसके अंदर, कोई भी, क्योंकि वो समाज का चुना हुआ व्यक्ति है और समाज के नागरिक को अधिकार है उसको अपनी बात बताने का, उसको पेशेंस रखना जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सी बार समाधान उसके हाथ में नहीं हो, समाधान स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है, या समाधान जो है छोटे स्तर भी हो सकता है। समाधान करना बात अलग है, लेकिन उसके अंदर मादा होना चाहिए कि जनता की बात को सुनने का और उसकी बात को समझने का कि इसको क्या तकलीफ है, ग्रुप को क्या तकलीफ है, गांव को क्या तकलीफ है, उसको समझने, और अगर पब्लिकली वो तकलीफ है तो उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए और उसको समाधान निकालने के लिए जो है योजना बनानी चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। टॉलरेंस पावर का होना बहुत जरूरी है और जो राजनीति के अंदर आना चाहता है वो व्यक्ति पब्लिक के साथ मिक्सअप होना चाहिए। पब्लिक का जो सुख है, पब्लिक का जो दुख है, उसके अंदर वो हाजिर रहना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर अतिवृष्टि हो गई, कहीं पर अनावृष्टि हो गया, कहीं पर सुनामी आ गया, कहीं पर मकान ध्वस्त हो गया, कहीं पर सामूहिक जो है हत्याएं हो गई और कहीं पर जो है सामूहिक लोग मर गए, तो जो 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 जो, जो, जो चुना हुआ व्यक्ति है, चाहे MLA है, चाहे MP है, चाहे सरपंच है, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति है, उसको ऐसी परिस्थिति में हाजिर होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसको संवेदनशील होना जरूरी है। अगर राजनीति में कार्य करने वाला व्यक्ति, राजनीति में आने वाला व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति लोगों के भले के लिए बनी हुई है और अगर किसी के दुख को अपना दुख नहीं मानता है तो सफल होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसकी पहली क्वालिटी तो यही है कि लोगों के दुख को समझो। और ईश्वर तो ये कहता है कि दूसरों के तुम आंसू पोंछते जाओगे तो तुम्हारे आंख में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करते हैं किसी भी स्तर पर, तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है, ईश्वर उसको शक्ति देता है, ईश्वर उसको सहयोग करता है, ईश्वर उसकी हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है और वो अच्छा रह करके वो समाज सेवा कर सकता है। इसीलिए संवेदनशील होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की हम राजनीति को स्वार्थ के दायरे से बाहर निकालें और स्वच्छ राजनीति बने, और जहां स्वच्छ राजनीति होगा, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति ग्रास रूट तक पहुंचनी चाहिए। जो हमारा गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, लंबे समय से जो है हम राजनीति स्वार्थ के घेरे विषय के ऊपर निष्कर्ष निकाल रहे थे, तो आपने खूब दिलचस्पी ली। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना और पूरे जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपके सगे सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना।